अगले 24 घंटे तय करेंगे धोनी का भविष्य। कल वेस्ट इंडीज दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान। विश्व कप में सेमीफाइनल से बाहर होने के बाद अब भारतीय टीम एक नए अभियान के लिए तैयार है। अगले महीने से भारत को वेस्ट इंडीज का दौरा करना है। एमएसके प्रसाद की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय चयन समिति शुक्रवार को जब टीम इंडिया का चयन करेगी तो सभी निगाहें धोनी के भविष्य पर टिकी होंगी। 38 बिलियन रुपए के धोनी अब भले से मैच फिनिशर की भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं। उन्होंने अभी तक अपने संन्यास के बारे में कुछ नहीं कहा है, लेकिन इसको लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। भारत को 3 अगस्त से शुरू हो रहे वेस्ट इंडीज दौरे पर टीडट, वन डे और 2 टेस्ट खेलने हैं। अगले साल ऑस्ट्रेलिया में होने वाले टीडट विश्व कप को ध्यान में रखकर चयनकर्ता युवा ऋषभ पंत को मौका दे सकते हैं। धोनी को पिछले साल अक्टूबर में वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया में टीडट श्रृंखला के लिए नहीं चुना गया था। ऐसी पूरी संभावना है कि वह इस बार भी बाहर रहें। पंत को विश्व कप में चोटिल शिखर धवन की जगह बुलाया गया था, जिसमें भारत सेमीफाइनल में बाहर हो गया। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया ने बीसीसीआई से जुड़े सूत्रों के हवाले से बताया है कि पूरे वर्ल्ड कप में धोनी की धीमी बल्लेबाजी को देखते हुए शायद उन्हें टीम में शामिल नहीं लिया जाएगा। विश्व कप में जिस तरह से महेंद्र सिंह धोनी ने धीमी पारियां खेली, उससे उनकी बल्लेबाजी पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। अंबाती रायुडू के रिटायर होने और विजय शंकर के नाकाम रहने से उनके लिए दरवाजे खुल सकते हैं। चयनकर्ता युवा शुभमन गिल और पृथ्वी शॉ के नाम पर भी विचार कर सकते हैं, हालांकि शॉ कूल्हे की चोट से जूझ रहे हैं। आपको बता दें, टीम इंडिया का वेस्ट इंडीज दौरा 3 अगस्त से शुरू हो रहा है, जिसमें 3 टीडट, 3 वनडे और 2 टेस्ट मैच खेले जाएंगे। दौरे का आगाज टीडट सीरीज से होगा। इसके बाद वनडे सीरीज 8 अगस्त से होगी। 22 अगस्त से पहला टेस्ट खेला जाएगा, जबकि दूसरा टेस्ट 30 अगस्त से खेला जाएगा।